हेलो राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम लोग शादी में जा रहे हैं, तो घर से निकल चुके हैं हम लोग। देखना रास्ते में कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और बहुत अच्छा। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखाया जाए घर से निकल के। और यहाँ पे हम लोग शादी में पहुँच चुके हैं। यहाँ खाने पीने की तैयारी चल रही थी, तो लेकिन हल्दी का फंक्शन हमसे ना निकल चुका है। हम लेट हो गए थोड़ा घर से, तो हल्दी का फंक्शन निकल गया। और ये क्लिप ना शाम की है, करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा। ये दिन छुपने के बाद ना, मतलब एक रस्म होती है घूरे पूजने की, तो वो रस्म की जा रही है यहाँ पे। तो भाई को पकड़ के ना आँख पे पट्टी बांध के, और तब इसको भाई को ले जाया जा रहा है। मतलब देखिए इसी तरह से, मतलब छोटी छोटी रस्म ना बहुत अच्छी लगती हैं। कि एक तो क्या होता है ना कि शादी में ना बहुत सारे लोग होते हैं, तो अच्छा लगता है, सारे परिवार वाले सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, तो मन भी लगता है वहाँ पे, अच्छा लगता है। और देखो बाकी सब पीछे हैं, दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो सभी गाना गा रही थी वहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे गाने गा रही थी। लेकिन क्या है कि वहाँ पे जनरेटर लगा हुआ था, तो वो आवाज़ मतलब वो करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। और यहाँ पे पहुँच चुकी हैं घूरे पे, और यहाँ पे घूरा पूजा जा रहा है। तो भाई भाई की ना आंखें बंद कर रखी हैं बिल्कुल पट्टी बांध के। और देखो यहाँ भाभी आए हैं पड़ोस की, जो उसे बहुत परेशान कर रही हैं, छेड़ रही हैं उसको। शादियों में ना ऐसे ही होता है कि परेशान कर रही थी उसे। तो देखिए यहाँ पे पूजा हो रही थी, और यहाँ पे क्या होता है ना, एक कील होती है जिसको जिससे पूजा होती है, कील गाड़ी जाती है यहाँ पे। और ऐसा बोलते हैं कि उस कील को लेके जो भी भाग जाता है ना चुपचाप से, तो उसकी भी जल्दी से शादी हो जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे बातें चल रही थी पहले से। तो क्या होता है, ये भाई का फ्रेंड है एक, तो उसने क्या करा कि वो जैसे ही पूजा हुई ना, तो भाई इतनी तेज़ से उस कील को निकाल के, अभी पूजा कर रही है, और उसके बाद में देखना कि भाई ना वो इतने इतनी तेज़ से उस कील को ना चुपचाप से निकाल के भाग जाते हैं। और ऐसा होता भी होगा शायद, क्योंकि बोलते हैं ना जो बड़े लोग बोलते थे वो सब सही होता है। तो इसी तरह से मतलब यहाँ पे पूजा वूजा सब हो गई, फिर आँखों पे से उसके यहाँ पे निकाल दिया गया। पूजा करने के बाद में ना उसको खोल दिया गया, उसे पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे ले जा रहे हैं मुझे, क्या कर रहे हैं। अब दिखाया है उसको, मतलब आँखें खोल के। Thank you.
और यहाँ पे ये अगले दिन की क्लिप है सुबह की, जो कि हल्दी की रस्म होती है, तेल चढ़ाया जाता है यहाँ पे सुबह सुबह, और सभी जो गौरनी वगैरह बनती हैं वो भी सब करती हैं, पूजा करती हैं यहाँ पे, और वही सब रस्म चल रही थी यहाँ पे। और देखिए मतलब इसके बाद में ना हम भात की भी तैयारी होगी, क्योंकि भाते ही आए हुए हैं तो उनको भी लिया जाएगा। अब देखिए, और यहाँ पे अब भातइयों का स्वागत किया जा रहा है, मतलब उनको लिया जा रहा है, क्योंकि बुआ जी के घर के सामने ना मंदिर है, तो मंदिर पे उनको बिठा दिया था, और अब वहाँ से ना लिए जा रहे हैं भातई। तो देखिए, ये मेरे चाचा जी हैं और पापा हैं मेरे, और मम्मी और चाची जी हैं, ये लोग आ चुके हैं भात लेके, तो अब इनको लिया जा रहा है यहाँ पे। तो इनके करेंगे अब इनके बुआ जी ना टीका करेंगी, तो ऐसे ही लिया जाता है कि सबके टीका करते हैं पहले और फिर इनको अंदर लिया जाता है। देखो बहुत ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब कि एक मोमेंट्स ना कैद हो जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुआ था, ये वाला फंक्शन ऐसे हुआ था, मतलब सबको ना इतना अच्छा लगता है। तो देखिए, ये वाली मेरी ना बड़ी बुआ जी हैं, तो पहले छोटी बुआ जी ने टीका किया, फिर बड़ी बुआ जी ने टीका किया। तो इसी तरह से देखिए सब तैयारी चल रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे गाने बजाने चल रहे थे, मम्मी का तो थोड़ा डांस भी चल रहा था, हल्का पुल्का डांस भी करती जा रही थी, लेकिन वही है ना कि थोड़ा घर पे ना जनरेटर लगा हुआ था तो उसकी आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मैंने ना इसको बंद ही कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, और पीछे भी सब गाने गा रही थी बहुत अच्छे, लेकिन वही है ना, आवाज़ बंद करनी पड़ी मुझे। तो इसी तरह से मेरी दोनों के टीके होंगे, मेरी चाची जी और मम्मी हैं ये, तो ये लोग आ चुके हैं भात लेके। और यहाँ पे ये भाते अंदर आ चुके हैं कमरे में, और इनके वही सब तैयारी चल रही है कि इनके पैर धोने की रस्म होगी अभी, तो वही सब तैयारी चल रही है कि पैर धुलेंगे इनके, और इनको मतलब कमरे में बिठा दिया गया है अभी। तो यहाँ पे मेरी बड़ी बुआ जी बैठी हुई हैं साथ में इनके, और मेरी दोनों बैठी हुई हैं, तो वही सब हो रहा है। और भातई का तो एक अलग ही वो होता है कि भई इन्हें अच्छे से चाय नाश्ता कराइए, ये कराओ वो कराओ, मतलब बहुत ज़्यादा इनके कहते हैं कि भातई वालों की खातिर अलग ही होती है। और बाकी वैसे तो भाई रोज आता है, लेकिन ये चीज़ अलग होती है, अच्छा लगता है।
कि अलग से। तो ये तीनों यहाँ पे बैठी हुई हैं, बाकी ये पैर धो रही हैं यहाँ पे। और ये है मेरी भाई की, ताई जी की बेटी हैं ये, तो ये भी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया इनका। तो चलिए अब इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी शादी की वीडियो आए